जब तक तुम दौड़ने का साहस नहीं जुटाओगे, तुम्हारे लिए प्रतिस्पर्धा में जीतना यानी कि कंपटीशन में जीतना सदा ही असंभव बना रहेगा। वो कहता है ना कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो व्यक्ति लड़ा नहीं। तो आप बिल्कुल प्रयास करना स्टार्ट कीजिए और मन लगा के बिल्कुल प्रयास कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 11 अप्रैल के करंट अफेयर पे, और देखिए आज के वीडियो में जुड़े हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनके स्पेशल फैक्ट को हम पूरे डिटेल में जानेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के PDF लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन नंबर के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन नंबर का पहला प्रश्न था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किस देश की तर्ज पर एक 5T प्लान जारी किया है। तो देखिए ये देश आपका है दक्षिण कोरिया, और 5T का पूरा मतलब जानने के लिए आप परसों का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न था कि किस राज्य की पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए रक्षा सर्व नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। तो देखिए ये राज्य आपका है छत्तीसगढ़। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य के मोहाली शहर की पुलिस के द्वारा कोविड कंट्रोल नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो देखिए इस कोविड कंट्रोल नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है पंजाब राज्य के मोहाली शहर की पुलिस के द्वारा। और देखिए जो आपका मार्च 2020 का महीना था, तो उसका जो मंथली करंट अफेयर का मेरा वीडियो है, ठीक है, तो उसमें मैंने कोविड-19 यानी कि जो आपका कोरोना वायरस है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे उसको इंक्लूड कर दिया है। तो मार्च 2020 का जो वीडियो है मंथली करंट अफेयर वाला, उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगी। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में किसी जानवर के कोरोना पॉजिटिव होने का पहला मामला सामने आया है। तो देखिए ये देश आपका है अमेरिका। और पांचवा था कि हाल ही में किस देश के द्वारा मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटा दिया गया है। तो देखिए ये देश अपना भारत ही है। भारत ने अभी हाल ही में मानवीय आधार पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है ये मलेरिया की दवा है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमित जो आपके मरीज हैं, ठीक है, तो उनके उपचार में ये काफ़ी कारगर साबित हो रही है, काफ़ी मरीज इस दवा से ठीक हो चुके हैं भारत में, तो इसके लिए इसीलिए जो है इसकी डिमांड पूरी दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। और आज के करंट अफेयर का पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए जो आपका ये भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान है इसको शुरू किया है भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। और वर्तमान में जो भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री, इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्हीं के द्वारा हाल ही में इस अभियान को शुरू किया गया है। और देखिए इस अभियान के अंतर्गत उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों पर ऑनलाइन शिक्षा के समय आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को सीधे सुझाव या फिर समाधान साझा करने के लिए आमंत्रित किया है। और इस अभियान के लिए समाधान और सुझाव जो है ये भारत पढ़े ऑनलाइन .mhrd@gmail.com और ट्विटर पर जो है भारत पढ़े ऑनलाइन पर जो है साझा किए जा सकते हैं। तो इस पर आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ऑनलाइन पढ़ने में, तो भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है। तो देखिए जो आपका ये ऑपरेशन शील्ड है इसको शुरू किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और इस ऑपरेशन शील्ड में ये SHIELD जो है इसका एक अलग अलग मतलब है हर अक्षर का, तो आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं। देखिए ऑपरेशन शील्ड में जो है S का मतलब है सीलिंग ऑफ एरिया, मतलब इलाके को बिल्कुल सील कर देना, और H का मतलब है होम क्वारंटाइन यानी कि घरों में क्वारंटाइन रहने के लिए, ठीक है, और इसमें शील्ड में I का मतलब है आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट यानी कि संपर्क में आए लोगों को जो है आइसोलेट करना, ठीक है, और इसमें यानी कि शील्ड में जो आपका E है तो E का मतलब है इसेंशियल सर्विसेज इंश्योर्ड यानी कि जरूरी सेवाएँ सुनिश्चित करना, और L का मतलब है स्थानीय सैनिटाइजेशन यानी कि लोकल सैनिटाइजेशन, और इस ऑपरेशन शील्ड में D का मतलब है डोर टू डोर सर्वे करना। तो शील्ड का जो ये फुल फॉर्म है इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेज का। देखिए जो आपका ऑपरेशन शील्ड है ये दिल्ली सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए शुरू किया गया है, और इसके अंतर्गत जो आपका कोरोना प्रभावित 21 इलाका है दिल्ली का, इसको जो है पूर्ण रूप से जो है पाबंदी यहाँ पर लागू कर दी गई है, उसको सील कर दिया गया है। तो ऑपरेशन शील्ड याद रखिएगा, इसको दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और देखिए दिल्ली की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनका नाम है अनिल बैजल, तो उनका नाम भी आप याद रखिएगा।
और तीसरा प्रश्न है कि भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तत्परता पैकेज के लिए भारत सरकार ने अभी हाल ही में कितनी धनराशि मंजूर की है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 15,000 करोड़ रुपए। और देखिए मिशन मोड के तहत इस स्वीकृत धनराशि जिसका अमाउंट टोटल है 15,000 करोड़ रुपए, तो इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा? देखिए इसका जो है उपयोग वर्तमान समय में किया जाएगा, जो आपका कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए जो आपातकालीन प्रतिक्रिया चलाई जा रही है। तो इस 15,000 करोड़ में से टोटल 7,774 करोड़ रुपये अभी वर्तमान में खर्च किए जाएंगे और बाकी की जो बची धनराशि है तो ये जो है 1 से 4 साल के बीच में जो है उपयोग किया जाएगा इस बीमारी से निपटने के लिए, वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए, फिर इसके लिए पहले से कुछ प्रिपेयर मतलब प्लान तैयार करने के लिए। तो इस टोटल अमाउंट का उपयोग ऐसे किया जाएगा, ये चीज़ जो है याद रखिएगा। लेकिन टोटल अमाउंट कितना है? 15,000 करोड़ रुपये, ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका ये कंपनी है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, तो इसकी नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाई गई हैं अनामिका राय राष्ट्रवर, ठीक है, और इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है वरेंद्र सिन्हा का। और देखिए जो आपका ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है तो इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में, इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। और जो आपका ये इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो देखिए इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और पांचवा प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र है इसने बताया है कि 2020-21 के दौरान जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रहेगी ये जो है 4.8% रहेगी। देखिए ये अनुमान है केवल, और ये अनुमान किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र है इसके अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि जो अगला वित्तीय वर्ष होगा भारत का, तो इसमें जो है भारत की जो वृद्धि दर रहेगी GDP की ये रहेगी 5.1%, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए बिहार में ये दोनों आंकड़े कहाँ पे पब्लिश किए थे यूनाइटेड नेशंस ने? देखिए बिहार में ये आंकड़े जो है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक यानी कि ESCAP 2020 टूवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमीज में जो है प्रकाशित की गई थी। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और यूनाइटेड नेशंस की बात कर लेते हैं, देखिए वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस, और यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। देखिए यूनाइटेड नेशंस के बारे में ये तीनों चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, सेक्रेटरी जनरल कौन है वर्तमान में, फाउंडेड कब हुआ था यानी कि स्थापना कब हुई थी, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसलिए ये सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं, नोट कर लीजिएगा। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से निपटने में भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए किसके साथ हाल ही में साझेदारी की है? तो देखिए जो आपका कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसने अभी हाल ही में भारत में कोविड-19 से निपटने में भारत सरकार के प्रयासों में सहयोग करने के लिए यूनिसेफ के साथ जो है एक साझेदारी की है। और देखिए इस साझेदारी का उद्देश्य जो है कोविड-19 महामारी के खिलाफ नागरिकों को जागरूक करना, उन्हें सशक्त बनाने के लिए जन संचार अभियान शुरू करना है, और इस जन संचार अभियान के लिए जो है ब्रेक द चेन और वायरस की कड़ी तोड़ो नामक जन संचार अभियान चलाया जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। देखिए हिंदुस्तान यूनिवर्स है ब्रिटेन कंपनी है, और यूनिसेफ के बारे में एग्जाम में पूछेगा, इसके बारे में तो उतना नहीं पूछता, बस इतना जानिएगा कि ये जो है ब्रिटेन कंपनी है। देखिए जो आपका यूनिसेफ है तो यूनिसेफ जो है इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड, और इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, हेड इसके हैं हेनरिटा एच फोर, और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। सातवां प्रश्न है कि विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। तो देखिए जो आपका विश्व होम्योपैथी दिवस है ये हर साल 10 अप्रैल को ही मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है ये भी जान लीजिए। देखिए 10 अप्रैल को जो है होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करने के लिए विश्व स्तर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। और जो आपके सैमुअल हैनीमैन, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो देखिए इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। और आपको बता दूँ जो आपका ये विश्व होम्योपैथी दिवस है, ठीक है, 2020 का, तो 2020 के लिए इसकी एक थीम डिसाइड की गई है, और ये थीम आपकी है लिंकिंग रिसर्च विथ एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एडवांसिंग साइंटिफिक कोलेबोरेशंस, तो थीम भी आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जिनका नाम है हजारी लाल रघुवंशी का निधन हो गया? तो देखिए जो आपके हजारी लाल रघुवंशी हैं ये मध्य प्रदेश के पूर्व डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं,
और इन्होंने 2003 से 2008 तक जो है मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर के पद के रूप में जो है मतलब इस पद को आसीन किया था, मतलब इस पद पे काम किया था। तो ये डिप्टी स्पीकर कब से कब तक रहे थे, 2003 से 2008 तक। और देखिए मध्य प्रदेश की जितनी लोकल एग्जामिनेशन है और जिन लोगों का MPPSC का मेंस वगैरह का एग्जाम लगा हुआ है वो इस चीज़ को नोट कर लेंगे कि वहाँ पे जो है ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, वहाँ पे जो लोकल लीडर्स होते हैं ना उनकी वगैरह रेस होती है तो वो एग्जाम में पूछ लेता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इतने बड़े पर्सनालिटी जिनका नाम है हजारी लाल रघुवंशी की, जो कि डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा के। और जो आपके हजारी लाल रघुवंशी थे तो देखिए ये जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की सिवनी मालवा विधानसभा से टोटल 6 बार विधायक चुने गए थे, बहुत बड़ी बात है ये। और देखिए इन्होंने जो है मध्य प्रदेश राज्य में जो कांग्रेस की सरकार थी ठीक है, तो उसकी अगुवाई वाली विभिन्न सरकारों में मंत्री पद पर भी काम किया था और ये कांग्रेस के लीडर थे, ये चीज़ याद रखिएगा ठीक है। तो हजारी लाल रघुवंशी के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। और आज आपका एक ऑनलाइन होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिहारी में किस व्यक्ति ने जो है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, उनका नाम बताइए, मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम बताना है और मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं इनका नाम भी आपको बताना है। ये 3 चीज़ें कमेंट बॉक्स में बताइए, आज ये आपका ऑनलाइन होमवर्क है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने COVID-19 के मरीजों के उपचार में काम आने वाले मेम्ब्रेन ऑक्सीजनरेटर इक्विपमेंट को विकसित किया है। तो देखिए जो आपका ये मेम्ब्रेन ऑक्सीजनरेटर इक्विपमेंट है इसको विकसित किया है जेनेरिच मेम्ब्रेन्स ने। और देखिए जो आपका ये मेम्ब्रेन ऑक्सीजनरेटर उपकरण है ये जो है नवीन स्वदेशी हालो फाइबर मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी पर आधारित है और ये जो है हवा में 35% तक ऑक्सीजन को बढ़ा सकता है, तो बहुत ही अच्छा उपकरण है ये। और इस डिवाइस को जो है सांस फूलने के इलाज के लिए विकसित किया गया है जो कि COVID-19 के प्रमुख लक्षणों में से एक है। तो देखिए कोरोना वायरस से संक्रमित अगर कोई व्यक्ति हो रहा है तो उसका जो है सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, फेफड़ों में बलगम भर जा रहा है और जो आपका उसका सांस लेने वाला जो ऑर्गन्स वगैरह मतलब जो आपका मेन ऑर्गन तो फेफड़ा ही होता है, लेकिन हमारा जो गला है ठीक है तो गले से ही सांस से पहले जाता है फिर फेफड़े में पहुँचता है ठीक है, तो गला वगैरह पूरा बाधित हो जाता है। तो इसीलिए जो है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, सांस लेने में जो है थोड़ी सी मदद करेगा लोगों को जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली इसको विकसित किया गया है। और देखिए कंपनी जो आपकी है जेनेरिच मेम्ब्रेन्स, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका जेनेरिच मेम्ब्रेन्स कंपनी है ये जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वित्त पोषित पुणे की एक कंपनी है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के पूर्व कोच रेडोमीर एंटी का निधन हो गया, इनका जन्म किस देश में हुआ था। तो देखिए जो कि रेडोमीर एंटी का इनका जन्म हुआ था सर्बिया में और सर्बिया को जाना जाता है रिपब्लिक ऑफ सर्बिया के नाम से ठीक है, तो एक कंट्री के बारे में याद रखिएगा, सर्बिया में इनका जन्म हुआ था, इसका नाम जिनका नाम है रेडोमीर एंटी। और देखिए सर्बिया के जिस्टिस्ट में जो है इनका जन्म हुआ था ठीक है, ये प्लेस आपका है जिस्टिस्ट, तो नाम थोड़ा सा टेन है लेकिन याद रखिएगा मैक्सिमम देश का नाम ही पूछेगा, एग्जैक्ट प्लेस नहीं पूछता है। और देखिए इनका जो जन्म हुआ था 22 नवंबर 1948 को। तो देखिए बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे क्योंकि जो है जो आपकी रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ये बहुत ही फेमस फुटबॉल पार्टी में है पूरी दुनिया की और इन दोनों में जो है इन दोनों टीमों में जो है इन्होंने कोच के रूप में कार्य किया था, इनका नाम था रेडोमीर एंटिक। और देखिए सर्बिया देश की बात करें, देखिए सर्बिया कंट्री जो आपका है यहाँ की कैपिटल है बेलग्रेड और सर्बिया की करेंसी है सर्बियन दिनार। 11वां प्रश्न है कि गूगल किस देश की कंपनी है। तो देखिए जबकि गूगल है ये एक अमेरिकन कंपनी है, सबको पता होगा और जिसको नहीं पता है वो जान ले। और देखिए वर्तमान में गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इससे जुड़ी न्यूज़ क्या है, देखिए बिहार में गूगल ने जो है जिनको कम दिखाई देता है उनके लिए और अंधेपन से ग्रस्त एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। और ये जो नया कीबोर्ड है ये इन लोगों को बिना किसी अतिरिक्त हार्डवेयर के फ़ोन पर टाइप करने में मदद करेगा। तो ये आपका स्मार्टफोन है और ये आपका जो है इस पर की वगैरह कुछ दिख रहा है तो ये एक आउटलाइन है, ऐसा ही आपका जो है ये जो आपका वर्चुअल कीबोर्ड है ये दिखेगा ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है मैरी जार्डन ने। देखिए मेलानिया ट्रंप कौन है, आपको फोटो दिख रहा होगा यहाँ पे, आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ में इनकी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ये बीवी है। और देखिए इस पुस्तक को जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप ठीक है, तो इसको जो है साइमन एंड सुस्टर के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका विमोचन किया जाएगा 16 जून 2020 को ठीक है। और देखिए ये पुस्तक जो है व्हाइट हाउस में जो सबसे अधिक प्रभावशाली महिला है मेलानिया ट्रंप यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की बीबी, तो इनके 100 साक्षात्कारों पर आधारित है, तो ये डिटेल्स याद रखेगा। लेकिन इसके राइटर का नाम याद रखना है, मैरी जॉर्डन ने इस पुस्तक को लिखा है, इसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप।
तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि फोर्ब्स के 2020 के सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि द रिचेस्ट इन 2020 में जो है पहले स्थान पर कौन है, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, इनका नाम बताइए। और देखिए इनका नेटवर्थ यानी कि इनकी जो कुल इनकम है वर्तमान में, मतलब कुल संपत्ति कितनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही ये भी बताना है कि भारत के मुकेश अंबानी जो है ये द रिचेस्ट लिस्ट इन 2020 में जो है किस स्थान पर है, ठीक है, और उनकी संपत्ति कितनी है ये भी बताना है। अगर नहीं याद आ रहा है तो कल का वीडियो देख के उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 से मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया है, इसका आंसर बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि 30 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, इस राज्य का नाम बताइए। और चौथा प्रश्न आपके लिए किस व्यक्ति को जो है विजडन के द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यानी कि लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड 2020 का खिताब दिया गया, इसका आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी पत्रकार का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है, इसका आंसर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर साथ। तो वीडियो को लाइक करके उसको शेयर कर दीजिएगा। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से भी जीएस और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।